माल मिल रहा है बड़ा ही सस्ता वाला एकदम, मतलब ये मान के चलो भाई सब 70% की रिकवरी है, और उसका जो प्राइस है वो आप सुन के ना हैरान रह जाओगे। 200 रुपए किलो में मात्र, 250 रुपए किलो में 60% की रिकवरी, 150 रुपए किलो में माल मिल रहा है, और माल इतना साफ सुथरा माल, मतलब कचरा माल नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हाउस वायरिंग। भाई ऐसी चीजों से बिल्कुल बचें, आप खुद समझदार हैं। 70% की रिकवरी, 200 रुपए का रेट, मतलब कॉपर 500 रुपए का निकल रहा है जिसके अंदर, उसका 200 रुपए का रेट कैसे हो सकता है। इस धंधे में इन सब फ्रॉडों से बचे, आज आपको इसी चीज के बारे में जानकारी दूंगा, मतलब इस तरह के कैसे फ्रॉड होते हैं और ये कहां कहां से आते हैं, कौन कौन लोग इन तरीके को इस्तेमाल करते हैं, किन किन लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, और आप लोग बेवकूफ बन जाते हो, आप लोग ये कभी नहीं सोचते यार इतना सस्ता माल कैसे मिल जाएगा। जबकि मैं हमेशा बोलता हूँ इस लाइन में अगर आप घुस रहे हैं तो आप नए हैं, जो माल बेच रहा है वो नया नहीं, वो पुराना है, उसे सारा अनुभव है किसके अंदर कितना रिकवरी है, क्या माल है, इसी बारे में बात करेंगे हम लोग। मैं आपका दोस्त रिजवान सेफी, तो मैं आज बात करता हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो बहुत हाईलाइट प्लेटफॉर्म है, लोग उसे जानते भी हैं, लोग वहाँ इस्तेमाल भी करते हैं और चीजों के मुकाबले, लेकिन ये प्लेटफॉर्म अब एक फ्रॉड प्लेटफॉर्म के नाम पर बदलने लगा है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया मार्ट की। इंडिया मार्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को आप तक पहुंचाता है कि भाई ये आइटम मेरे यहाँ पर बिकता है। अब जो बेचने वाला बंदा है वो किस तरह का फ्रॉड करता है मैं आपको बताता हूँ। कि आपने ऑनलाइन सर्च किया कि मेरे को माल चाहिए, कॉपर स्क्रैप चाहिए, और आप आ जाते हो इंडिया मार्ट के पेज पर। अब आपने यहाँ माल का रेट देखा 350 रुपए किलो, आपने ओके करके देखा, उसमें उसने सब चीज लिखी होगी, पीवीसी कितनी है, कॉपर कितना है, कॉपर 70-75% की कॉपर है। अब आपने उसको फोन लगाया, आपने उससे बात करी, उसने बताया कि जी 70% की है, मैं एमपी से बात कर रहा हूँ या पंजाब से बात कर रहा हूँ, बंदा कहीं का भी हो सकता है, ऑल ओवर इंडिया। आपने फोन किया, आप उससे बात करेंगे, बताएगा कि हाँ जी 70% का माल है, क्वांटिटी में आपको माल लेना होगा और रिकवरी इतनी है, वो 250 रुपए किलो है, ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह आपका। आप खुश हो जाते हैं कि यार रिकवरी तो बहुत अच्छी है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, मतलब 200-250 रुपए किलो का प्रॉफिट मिल रहा है, और आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करने लग जाते हैं। तो भाई इन सब चीजों से थोड़ा सा बचो। जहां भी आपको अगर जेन्युइन माल मिलेगा ना, तो सबसे पहले मिलेगा आपको रेट टू रेट का, आपको दिखाई देगा कि यार मैं माल खरीद रहा हूँ जो जेन्युइन माल होता है। जब आप उससे माल की तहकीकात करेंगे तो आपको वही रेट मिलेगा जो कॉपर का रेट होता है, जितना इसके अंदर से कॉपर निकल रहा है इतना रेट बंदा आपको बोल करके बताएगा जो जेन्युइन होगा। उसके साथ आप बार्गेनिंग करेंगे, बार्गेनिंग करने के आपको 20-30 रुपए, कहीं 40 रुपए, कहीं 50 रुपए, ये हाईएस्ट प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता है। कुछ लोग तो नुकसान में चले जाते हैं उल्टा, मतलब जो रिकवरी के हिसाब से लिया उसमें से भी नीचे चले गए, जमा पूंजी भी अपनी लगा दी। तो भाई थोड़ा सा यहाँ बचें, थोड़ा सा अपना माइंड इस्तेमाल करें, ये कबाड़े की लाइन है, या दो आंखें आगे दो आंखें पीछे लगा करके काम करें। धोखेधड़ी आप ऐसे मान के चलिए कि सामने बैठा वाला बंदा आपको ऐसे दिखा देगा, ये साबित कर देगा कि अगर मैं 400 रुपए किलो माल दे रहा हूँ और मेरा माल जा रहा है, और आप ये कैलकुलेशन लगाते ही रह जाओगे कि यार 400 में बंदा खरीद कैसे रहा है, निकल तो इसमें कुछ नहीं रहा, और वो आपको दिखा देगा कि मेरा तो माल जा रहा है। इसे बोलते हैं ठगी, इस तरीके से लोग ठग करते हैं, ठीक है ना, कि मेरा 350 में जा रहा है तो मैं 300 में क्यों बेचूंगा, तो जबकि कॉपर भी 350 का ही निकल रहा है, तो जो बंदा निकाल रहा है वो कर क्या रहा है, मजाक कर रहा हूँ माल के साथ। थोड़ा सा सेंस ह्यूमर इस्तेमाल करें अपना, थोड़ा सा खुद को इस चीज के लिए जागरूक करें, माल को समझें, रिकवरी को तो बहुत अच्छे से समझते हैं। सीधा सा सिंपल सा फंडा बता रहा हूँ आपको इस धंधे में, आपने इस लाइन में घुसना है तो आपका 20-25 रुपए के अराउंड का प्रॉफिट रहेगा, 10 से लेकर 25 जेन्युइन जो रहेगा, इससे ज्यादा आपका माल में इसमें प्रॉफिट आएगा ही नहीं, जहाँ जेन्युइन आपको माल मिलेगा। और इंडिया मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से और या और भी कुछ लोग ऐसे भी है जो मशीनें बेच रहे हैं कि माल हमसे ले लो, मशीनें भी हम दे देंगे, तो उनसे भी बचे, वो मशीन तो दे ही रहे हैं, वो माल आपको एक आध बार देंगे, माल भी नहीं देंगे। और रही मेरी बात, मशीन ना ले तब तक जब तक माल की व्यवस्था ना हो, जब तक आपको माल नहीं मिलता मशीन घर में ना रखें, क्योंकि मशीन रख ली तो टेंशन और ज्यादा मिल जाएगी, फिर मशीन के चक्कर में आप माल उल्टा सीधा खरीदोगे और लॉस पे लॉस होगा, फिर आप कहोगे भाई सब मशीन बेचनी है ना, उसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती। तो प्रॉफिट वाला काम करें, नुकसान वाला तो काम बिल्कुल ना करें, काम आपका है या मेरा है, आपको मैं अपना भी नुकसान नहीं करूंगा, आपका भी नुकसान नहीं चाहूंगा, ईमानदारी का धंधा करना है, ईमानदारी से दो पैसे मिल जाते हैं, ऊपर वाले का शुक्र है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बचे, और मार्केट का रिव्यू लेते रहें, मार्केट का प्राइस प्रॉपर अपडेट वगैरह तसल्ली से अपना देखते रहें, और इस इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा बचे। अगली वीडियो में कुछ लेकर के आता हूँ आप तक के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।